सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाइफा स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ BTC सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की क्लासेस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रिपेयर इम्पोर्टेंटफुल रहने वाली है। सो फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए, और आपको डेली वाइज से इसको देखना है। स्टार्ट करते हैं फिर आपका बिना टाइम वेस्ट किए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो इसका मीनिंग होता है शीघ्रता से पढ़ना। देखो द्रुत पाठ का मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है बहुत फास्टली हम उसको क्या कर ले, चीज़ों को रीड कर ले, उसको क्या कहते हैं, उसी को हम द्रुत पाठ कहते हैं। नेक्स्ट है विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा नाउन, जो भी यहाँ पर नाउन की विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम विशेषण कहते हैं। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। देखते हैं क्या होता है गुणवाचक विशेषण, क्या होता है जिसमें हर बंदे में अपनी अपनी अलग क्वालिटीज़ होती है, तो चाहे वो अच्छी क्वालिटीज़ हो या फिर बुरी क्वालिटीज़ हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाचक क्या होता है, उसमें कुछ परिमाण होता है, उसमें मोस्टली परिमाण के एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है जिसमें संख्या से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स रखे जाते हैं, उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संकेतवाचक विशेषण कहते हैं जिससे कि हम किसी को संकेत देकर बुला रहे हैं या फिर कुछ बता रहे हैं, तो उसको हम संकेतवाचक विशेषण में रखते हैं। नेक्स्ट है वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन, देखो वचन क्या होता है, वचन से हमें ये पता चलता है कि ये बंदा एक है या फिर ये बंदे दो है या फिर ये बहुत सारे बंदे हैं, तो वचन हम उसी को कहते हैं। शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर यहाँ पे बात होती है संस्कृत की, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इनमें बहुत ज़्यादा बच्चे को कन्फ्यूज़न रहता है कि पूछ रहे जाते हैं कि संस्कृत में और हिंदी में कितने वचन होते हैं। अगर हमारा हिंदी का एग्ज़ाम है तो उसमें पूछते हैं कि वचन कितने होते हैं, तो बंदा क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा, और सोचता है कि वचन तो तीन होते हैं, बट वो तीन किस में होते हैं, वो तीन होते हैं संस्कृत में, और यहाँ पे हिंदी में कितने होते हैं हमारे, दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। फिर है नेक्स्ट लिंग की परिभाषा दीजिए, जेंडर क्या होता है ये बताना है। लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, इसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। देखो लिंग क्या होता है, लिंग से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हो रहे हैं वह जेंट्स से रिलेटेड है या फिर फीमेल से रिलेटेड है। ओके, हो जाएगा ना, आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट सहस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है, देखते हैं सहस्वर वाचन क्या होता है। सहस्वर वाचन दो प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है हमारा एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करें। एक व्यक्ति है, उसने पहले क्या लिखा, कोई पैराग्राफ लिखा, गद्यांश लिखा, फिर पद्यांश लिखा, और उसको लिखकर अपने खुद से राइट करके उसको फिर क्या करेगा, खुद से उसको रीड करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रथम सहस्वर वाचन कहते हैं। जैसे कि कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन अथवा पद्यांश का पाठ, यानी कि एक एक करके, ऑल सभी स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ ओनली एक एक करके जिसको पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम सहस्वर वाचन कहते हैं। और सेकंड कौन सा होता है, सेकंड हमारा वो होता है कि जिसमें जो हमारे पास में ऑलरेडी से कोई पैराग्राफ है, फिर पद्यांश है, फिर गद्यांश ऑलरेडी से हमारे पास लिखा हुआ है, और उसको हम सभी स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स जो भी हैं सभी उसको क्या करते हैं, एक साथ रीड करते हैं, तो उसको हम सहस्वर का सेकंड सहस्वर वाचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि
दूसरे प्रकार का सहस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को यानी किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े अथवा बोले। तो क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य क्या होता है? शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, शब्द अलग अलग शब्द होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, एक जगह ज्वाइंट करते हैं तो उनको हम क्या, तो फिर हमारा क्या बनता है, पूर्ण वाक्य रेडी हो जाता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं उद्देश्य और एक होता है विधेय। फिर नेक्स्ट है पदक्रम का क्या अर्थ है, देखते हैं पदक्रम क्या होता है। देखो पदक्रम का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास में कोई भी वर्ड्स है और उनको हमने अलग अलग बांटा हुआ है और वो वर्ड्स हमको क्या करने हैं, एक जगह उनको कन्वर्ट करना है। सो हम क्या करते हैं, जब उनको एक जगह अच्छी तरीके से मिलाएंगे, लगाएंगे, बनाएंगे तो उससे एक पूर्ण शब्द, एक पूर्ण वाक्य बनना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम पदक्रम कहते हैं। शब्दों को उचित क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को क्या कहते हैं, पदक्रम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, ध्यान से समझना बिल्कुल, कि वाक्य दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, है ना, बट परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, बट एक दूसरे पे क्या नहीं होते, निर्भर नहीं होते, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए, मिश्रित वाक्य बताना है क्या होता है। वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या बताया यहाँ पे कि वाक्य में एक तो क्या होना चाहिए हमारा, मुख्य उपवाक्य होना चाहिए, मेंस उपवाक्य होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, एक अथवा अधिक उपवाक्य हो तो वहाँ पे क्या रेडी होता है हमारा, वहाँ पे मिश्रित वाक्य निकलता है। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए, किसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन क्या करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, तो इसमें हमारा एक क्या हो जाएगा, मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य क्या है, डॉक्टर ने कहा, तो किसने कहा, डॉक्टर ने, तो ये क्या होगा हमारा मेन उपवाक्य है कि कौन बोल रहा है, और फिर अथवा या एक से अधिक क्या होगा, हमें प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। देखो इसमें कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3, तो एक क्या है इसमें, एक मेन उपवाक्य होता है जो कि कहता है, जिसके थ्रू हम चलते हैं, और एक क्या होता है, एक से अधिक उसमें उपवाक्य होते हैं जो उसके बाद में टेंस के लगे हुए होते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, तो स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, बिल्कुल, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो सबको पता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अंश और अंश शब्द का क्रम से अर्थ लिखिए। देखो क्या होता है, अंश एक होता है हमारे पास, अंश इसका मतलब होता है भाग और अंश का मतलब होता है कंधा। फिर नेक्स्ट फिर से लड्डू क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो, अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण के सहयोग की हमको आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि आ, ये क्या है अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, सो इसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द बताने हैं आपको, उत्थान और मूक का। उत्थान का क्या होता है, विलोम, पतन, और मूक का क्या होता है, वाचाल, जो बोलते हैं, और मूक जो बिल्कुल चुप रहते हैं, शांत रहते हैं कि कुछ नहीं पता इसको, और वाचाल क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इसका क्या हो गया, आपस में विलोम। फिर नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। देखो जैसे मेरे, देखो सबसे पहले समझो कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग होता है जो कि वाक्य में सबसे पहले आता है, क्या आता है, जो वाक्य में सबसे पहले आता है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पे जन्म,
क्या है मेरे पास, यहाँ पे एग्जांपल एक मोस्टली ऐसे ही एग्जांपल लिया हुआ है ना कि जन्म, और यहाँ पे बताया गया कि इसमें आ उपसर्ग को जोड़िए और फिर इससे क्या बनाइए, यहाँ पे एक शब्द बनाइए, न्यू शब्द क्रिएट कीजिए, तो कैसे होगा आ, तो हमने क्या जोड़ दिया इसके सामने आ, तो ये क्या बन गया आ जन्म, तो ये क्या है हमारा उपसर्ग, उपसर्ग जो कि वाक्य से क्या लगते हैं, पहले लगते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है आगमन, तो जैसे मेरे पास है एग्जांपल गमन और मैंने इसके सामने क्या जोड़ दिया आ, तो इसको क्या क्या देंगे हम आगमन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है काश और मैं इसके सामने जोड़ देती हूँ आ उपसर्ग, तो क्या बन गया इससे मेरा एक वर्ड रेडी हो चुका है। काश भी हमारा एक वर्ड है बट हमको इसको आ उपसर्ग से और भी अच्छे तरीके से एक न्यू वर्ड को क्रिएट करना है, तो वो क्या हो चुका हमारा आकाश। प्रत्यय क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा, उपसर्ग तो समझ लिया, प्रत्यय वो होता है जो कि वाक्य के क्या लगता है, बाद में लगता है, जो वाक्य के बाद में आता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं। देखो संज्ञा क्या होती है, नाउन, जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर राम, जैसे कुछ भी ले लो कि राम स्कूल जाता है, राम कहाँ जाता है, राम स्कूल जाता है, कहीं भी पूछा दो, है ना। और ये क्या है मेरा प्रॉपर, ये क्या है नाउन है। और यहाँ पे बताया गया कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, अब मैं कह दूँ यहाँ पे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो ये मेरा सेंटेंस बन गया। यहाँ पे कह दें कि राम स्कूल जाता है, यहाँ मैंने बोल दिया वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे नाम ले दिया, तो जहाँ पे नाम की बात होती है वहाँ क्या होता है नाउन संज्ञा होता है, संज्ञा होता है, और जहाँ पर नाम नहीं होता और वहाँ पे ऐसे वर्ड्स होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, समझते हैं। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को, इत्यादि, तो ये क्या है हमारे सब सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने बोल दिया हम किसी बंदे का नाम नहीं ले, हमने बोल दिया कि हम तो ये सब वर्ड्स क्या है हमारे, ये सब हमारे जो कि हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं, नाउन ऑफ प्लेस के स्थान पर यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है फिर पत्र कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं पत्र क्या होता है। विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, फर्स्ट औपचारिक और सेकेंड है हमारा अनौपचारिक। नेक्स्ट है फिर प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए, प्रति उपसर्ग, फिर से उपसर्ग की बात हुई तो कहाँ पे जाना है, सबसे पहले जाना है, पर उपसर्ग का मीन्स होता है कि वाक्य से पहले, तो मेरे पास जैसा हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्रति उपसर्ग दिया हुआ है, तो हमको प्रति से कोई वर्ड्स को क्रिएट करना है, तो प्रति से देखो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो प्रति से क्या बन सकता है प्रतिकूल, कुछ भी बना लो आपकी जो भी आपकी वो है, जो भी आपके माइंड में इसके प्रति से आपके एग्जांपल्स बन सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। और जिसे यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है प्रति छाया, समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कारक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, देखो मैंने बताया था आपको प्रत्यय, कारक वहाँ पे नहीं जाना, केस पे कभी आप कारक वहाँ पे चले जाओ नहीं, यहाँ पे एक कारक इन्होंने क्या दे दिया वर्ड दे दिया, और इसमें पूछा है कि कारक में कौन सा प्रत्यय लगा है, और मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो कि वर्ड्स के बाद में लगे हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है कारक, तो कारक तो इसमें कौन सा निकल रहा है अक, तो क्या निकल रहा है इसमें अ, और फिर रह है, तो रह से क्या निकल गई किसकी ध्वनि आ की ध्वनि निकल गई, रा से किसकी ध्वनि निकल गई, देखो देखते हैं यहाँ पे कारक, तो इसमें का, इसमें किसकी ध्वनि निकल रही है यहाँ पे आ की निकल रही है ना, और यहाँ पे रह, रह तो किसकी ध्वनि निकल चुकी ए की, और क्या के बाद में कोई भी ध्वनि आए उसको नहीं लेना है, तो यहाँ पे ए और क, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यय हमारा अक। फिर नेक्स्ट है ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है, ईसा ने पत्र पढ़ा,
क्या क्या ईशा ने पत्र को पढ़ा, तो इसमें हो जाएगा लंग लकार आई मीन भूतकाल का ही एग्जाम्पल है। फिर है बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें क्या है, विशेष और विशेष्य। बालक तेज दौड़ता है तो इसमें क्या हो गया, विशेष और विशेष्य। फिर नेक्स्ट है वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। किसके वर्णन शब्द के आपको दो पर्यायवाची बता रहे हैं, यानी कि वर्णन को हम और भी क्या क्या कह सकते हैं। तो फर्स्ट है कथन और आख्यान। फिर नेक्स्ट है सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। सर्वनाम के आपको दो एग्जाम्पल बताने हैं। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, हमने ऑलरेडी से पढ़ लिया है। जैसे हम, आप, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है, इन्होंने बताया दो, बाकी यहाँ पे तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनको रेडी कर लेना। हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को, इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे प्रोनाउन है, सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट है पर उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। किससे, पर उपसर्ग से बनने वाले, तो कोई एग्जाम्पल से, यानी कि हमको सिर्फ ओनली आप ये बताएगा तो ये बनाएंगे, आप कुछ भी बना सकते हो जिसे पर से जो भी बन सकता है। फिर नेक्स्ट है प्रत्यय किसे कहते हैं, में शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे लौकिक में एक, मित्रता में ता, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इन्होंने लौकिक, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कौन सा प्रत्यय है, तो लो, इसमें लो, तो इसमें कौन सा है, इसमें तो ओ निकल चुका है यहाँ से, है ना, और इसमें क्या है, इसमें छोटे वाली ई निकल, ई देखो छोटी की मात्रा है ना, छोटी वाली, तो इसमें कौन सी निकलेगी, ई शब्द निकलेगा, और यहाँ पे क्या है लौकिक, वो तो का है, फिर बाद में उसका उसका कोई नहीं लेना, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या निकलेगा, ई, और ये क्या है का, तो क्या बन गया हमारा लास्ट में, कौन सा प्रत्यय निकला है इससे, इक, कौन सा प्रत्यय निकला है इससे, इक, और जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे एक और मित्रता, तो देखो मित्रता, तो इसमें कौन सी है, ई है, मी में, और इसमें त्र क्या है, इसमें आ, और इसमें क्या है ता, तो यहाँ पे हमारा ये अता, अता कोई शब्द नहीं होता, ऐसे नहीं करना आपको कि अता जोड़ दो, तो अता कोई शब्द नहीं होता, ऐसा बनाएं जो कुछ शब्द भी हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ता, तो इसमें कौन सा प्रत्यय निकला है, इसमें मित्रता में, अपने आप में जो ता है वो पूर्ण क्या है, वो प्रत्यय है, क्योंकि आप ऐसे बता सकते हो कि मित्र, आप ऐसे भी तो बता सकते हो कि मित्र, और आपने इसको क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया, आपने बता दिया उसको मित्रता, तो ता स्पेशली इसमें लगा हुआ है प्रत्यय, जो कि आपको अलग से निकालना है। अब देखते हैं कि प्रत्यय नेक्स्ट है काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल के प्रकार सबको बताएं, तो लड्डू किशन है, तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सबको बताएं, सबको इनके एग्जांपल भी पता होगा, जैसे हम पूछ रहे वर्तमान काल में कि हम खाना खाते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो अभी, बिल्कुल इसमें आप प्रेजेंट हो यहाँ पे, और भूतकाल कि मैंने कल हिंदी की वीडियो देखी थी, तो था में चले गया, वो देखी थी, वो बीत चुका है, पास्ट हो चुका है उसका, वो जा चुका है। भविष्य, मैं कल भी हिंदी की वीडियो देखूंगा या फिर देखूंगी, ओके, तो इससे आपको रेडी हो चुका होगा कि ये बस आप खुद से लगा लो, निकल जाते हैं, तो टेंस हो दीजिए। तो आज के लिए सिर्फ हमारा ओनली यही कंटेंट था, सो आशा करती हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।